किसान साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे सोलर सिस्टम से आटा चक्की किस तरह चलाई जाती है। भाई ये मसाले की चक्की है, इसमें हल्दी धनिया पिसते हैं, ये मिर्चों का ग्राइंडर है, इसमें मिर्च पिसती है। किसान साथियों, आइए हम मिलेंगे एक युवा भाई से जो 30 HP की यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ भैया जी के पास। तो आइए मिलेंगे पहले भैया जी से और जानेंगे भैया जी का नाम और पता। मेरा नाम साजन ठाकुर है, ग्राम काहिरा, जिला बुलंदशहर। सर कितने वर्षों से आप इस सिस्टम? भैया इस सिस्टम का जो आविष्कार है 1 साल हुई है, प्लांट को लगे हुए 6 साल हो गए हैं। प्लांट को 6 साल हो गए हैं और सोलर सिस्टम वो 1 साल हो गया। और सर मैं जानना चाहूंगा कितनी प्लेटें हैं भैया जी? भैया 60 प्लेट हैं और इसका 30 किलोवाट वो है बिजली है। बिजली जो जनरेट करेगा ये 30 किलोवाट करेगा, 30 किलोवाट तक जनरेट कर देता है। हाँ जी। और 60 प्लेटें आपके यहाँ इस समय मौजूद? हाँ। और भैया जी किस तरह की, कितने एरिया में ये फाउंडेशन बनाया हुआ? थोड़ा भैया ये 450 उसमें बना हुआ है। 450 फीट में। और एक साथ क्या क्या चीजें चला सकते हैं भैया? एक तो ग्लेंडर पे लग रही है 10-10 हॉर्स पावर की मोटर, उसको चलाता है, चक्की को चलाता है। और एक मसाले की चक्की है 10 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर की, उस पे मोटर है, उसे चलाता है। और घर की लाइट चलाता है, यहाँ की लाइट चलाता है, घर की जो एनर्जी है उसे भी यहीं से चलाते हैं। यस, चार चीजें एक साथ? हाँ जी भैया, चार चीजें एक साथ चला सकता है, जिसमें 3 भैया जी के पास में चक्की है और घर का लोड भी है। हाँ, और यहाँ का भी है, यहाँ का अलग से जो यहाँ की लाइट है वो भी है। वो भी 4 से 5 चीज? 5 चीज। हाँ भैया, एक साथ चला। हाँ जी, हाँ जी, इतनी एनर्जी जनरेट करती है ये। हाँ जी। तो भैया जी हम जानना चाहेंगे, हाँ जी, किस कंपनी की आपकी ये प्लेटें लगी हुई है और कितनी साल की गारंटी है, वारंटी है, थोड़ा सा ये भी हमारे भैया कंपनी है इसकी लोंगी 25 साल की वारंटी है इसकी। 25 साल की इसकी वारंटी? यस भैया। और कोई भी अगर खामी या दिक्कतें आएगी तो वो? भैया टूटने वूटने पर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे A to Z करंट निकालना बंद कर दो तो वापस की गारंटी है। जो भी कुछ अगर समस्या है? हाँ जी हाँ, तो वो? हाँ जी, इसकी गारंटी है। हाँ जी भैया। फाउंडेशन भैया जी ने आपने बिल्कुल पक्का बनवाया? यस भैया, इसके नीचे वो है क्या कहते हैं ग्रूफ जो कटे रहते हैं उसके लिए, जिससे हवा पवा में? हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी, पूरी पक्का फाउंडेशन? हाँ जी भैया। हाँ, किसान साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे सोलर सिस्टम से आटा चक्की किस तरह चलाई जाती है। यहाँ पर एक हमारे युवा हैं जो आटा चक्की रन कर रहे हैं और वो भी सोलर सिस्टम से चलाते हैं। आगे पहले हम भैया जी से जानेंगे कौन कौन सी मशीनें ये एक साथ चला रहे हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं ये, क्या-क्या। भाई ये मसाले की चक्की है, इसमें हल्दी धनिया पिसते हैं। हाँ जी भाई, ये मसाले की चक्की है और ये मिर्चों का ग्राइंडर है, ये मिर्चों का ग्राइंडर है, इसमें मिर्च पिसती है। हाँ जी भैया, ये 10 हॉर्स पावर की इसमें मोटर लगी हुई है, ये इससे आप A to Z कोई भी चीज पीस सकते हो, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, और आपको ये आटा भी बना सकती है। हाँ जी भैया, इस पे 10 HP की मोटर लगी हुई है, ग्लेंडर है मसाले पीसने का, ये एक घंटे में करीब 2-3 क्विंटल मसाला निकालती है, एक दो घंटे में। इसके बाद में इसमें आता है, जैसे कि कोई मसाले में कंकड़ पत्थर आ जाता है वो इसमें ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, और बाकी जो माल रहता है वो इसमें आ जाता है। उसमें करने के बाद में ग्लेंडर अगर मोटा पिसता है तो दोबारा उसमें करते थे हम, दोबारा पीस लेते हैं, अगर दोबारा में नहीं होता फिर तीसरी बार भी कर लेते हैं। ये गेहूं छानने वाला चल रहा है, इसमें गेहूं भी छान सकते हो आप, A to Z कोई भी चीज छान सकते हो, सफाई कर सकते हो इससे, जैसे कि गेहूं गंदे हैं वो अलग हो जाएंगे, साफ गेहूं अलग हो जाएंगे। ये इतना अच्छा कार्य करती है? हाँ जी भैया, गेहूं साफ या कोई भी अनाज, A to Z आप कोई भी चीज इसमें कर सकते हो, अनाज हुआ और आपका लहटा, मूंजी, कुछ भी आप सफाई के लिए। हाँ जी भैया, यूज में ले सकते हो उसे, सफाई के लिए भैया जी के पास में यंत्र है। आगे हम आटा चक्की आपको दिखाने वाले हैं किस तरह का काम कर रही है और कितने कुंटल या कितने किलो के घंटे में पीस देती है। भैया इस पर 10 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, आटा पीसने मशीन है, चक्की 2 घंटे का ही निकालती है आटा। आज फिलहाल आटा चल रहा है इस पर। हम जानेंगे कि अभी किस
भैया ये दोनों पीएफडी है, इसका करंट जो आता है सोलर का वो डीसी को एसी में चेंज करने का इनोवा काम है। ये है स्टेबलाइजर, मतलब कि देसी भाषा में बोले तो ट्रांसफार्मर, ये उसे कन्वर्ट करके इसमें आती है। ये है लाइट का सिस्टम और ये है सोलर का सिस्टम। जैसे कि फिलहाल लाइट नहीं आ रही, लाइट आ रही है और आपके धूप पूरी निकल रही है, सोलर करंट आ रही है, तो लाइट अपने आप से काम करना बंद कर देगी, सोलर का करंट लेना शुरू कर देगी। हाँ जी भैया, हाँ सोलर का करंट जैसे पूरा आ रहा है तो लाइट ऑटोमेटिक ही अपने आप बंद हो जाएगी, बेशक आप मत करो। ये पीएफडी है, इसका अगर भैया कोई दिक्कत करंट में आती है तो ये अपने आप से कट मार के बंद हो जाएगी। ये मतलब कि कोई हादसा नहीं होने देगी, मोटर को नहीं फूकने देगी, अपने आप से कट मार के बंद हो जाती है। इसका जो है एक का 15 किलोवाट है, ये 15 किलोवाट उठा सकती है, 15 किलोवाट, इसीलिए दो लग रही है, दोनों का 30 किलोवाट हो गया। हाँ इसका काम है एसी डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना। इसका काम है, ये है सोलर की एमसीबी, ये है लाइट की एमसीबी। अगर हम इसको जैसे अब सोलर काम कर लिए, लाइट बंद कर देंगे तो इस पर कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर अब लाइट आ रही है, सोलर जैसे धूप कम है तो सोलर को बंद कर दो तो इस पर कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर हम फिलहाल दोनों को बंद कर देते हैं तो चक्की हो जाएगी बंद, अब ये चालू हो जाएगी, यहाँ से चालू करने से हो जाएगी शुरू, अब दोनों चीजों का करंट कन्वर्ट हो रहा है। ये भी आटा मसाले पैक करने वाली मशीन है, इसमें ए टू जेड आप कुछ भी पैक कर सकते हो, आटा भी मसाले भी और जो आपकी इच्छा है वो इसमें पैक कर सकते हो। ये 5 किलो तक पैकिंग की मशीन है, 5 किलो का पैक। हाँ भैया पैक कर, हाँ जी भैया, ये अपनी मार्केट थी, ये हो गया एक्सपायर। हाँ जी भैया, और यार अरे मैं आपको मसाले दिखाऊं, ये जो है साउथ मसाले हैं, हल्दी ग्लेंडर होती है उस वाली चक्की में जो आपको पहले दिखाई थी मैंने, और ये धनिया है, इस कट्टे में धनिया है, और ये है मिर्च, ये मिर्च है, और पिसने के बाद में ये है माल पिसा हुआ, ये पिसा हुआ माल है, हल्दी धनिया। भैया साल महीने का है ये आपका 50,000 से 40 से 50,000 तक, और साल का है 7 से 8 लाख रुपए तक हम कर लेते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम लगाया अपने घर रहते हुए 3 चक्कियों को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें आटा चक्की और 2 मसाला चक्की भी है भैया जी के पास, मसाला पीसते हैं भैया। खरीद के लाके मसाले उन्हें सुखाने के बाद जब पीस के पैकिंग करने के बाद जब सेल होता है वो बाजार में, आप साबुत मसाले लाते हैं? हाँ जी भैया, और उनको आप अपनी चक्की से अपने ग्लेंडर से पीसने के बाद जब पैकिंग होती है जब सेल होती है। कितनी पैकिंग कराते हैं, क्या क्या किलो की? भाई एक तो 250 ग्राम की है और ऊपर से प्लस आधा किलो। हाँ जी, 250 ग्राम और आधा आधा किलो, हाँ जी भैया पीसते हैं उनको और जब सेल करते हैं। हाँ जी, और एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं सर आप मसालों में, साबुत मसाले ना बेच के आप किसी भी बेचते हैं और वो भी शुद्ध। हाँ जी भैया शुद्ध गारंटी है, शुद्धता की भैया जी के नाम गारंटी है, क्योंकि खुद अपने हाथ से प्लांट चलाते हैं, ऐसा नहीं क्या है नौकर से ऊपर छोड़ा हुआ है, भैया एक युवा है। तो अभी कितने वर्ष के हैं आप भैया? मेरी उम्र 18 साल है, मैं 18वीं में लगाऊंगा। अच्छा अभी आप इस वर्ष 18 साल। हाँ जी भैया, हाँ जी, आप एक इतना अच्छा बिजनेस मॉडल चला रहे हैं गाँव में रहते हुए। हाँ जी भैया, 3 चीजें रन कर रहे हैं जिसमें आटा चक्की भैया जी के पास है और 2 मसाले पैकेट वाली या मसाला पीसने वाली जो मशीन भैया जी वो चला रहे हैं, और सोलर सिस्टम से ये सारा सिस्टम चला रहे हैं जो भैया ने 30 HP का है। हाँ जी भैया 30 HP 30 HP का सिस्टम लगाया है सोलर सिस्टम भैया जी अपनी छत पर, उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब भैया ये धनिया पीसने मशीन चल रही है, धनिया पीसने वाली? हाँ जी भैया ये धनिया पीसती है,
धनिया और हल्दी। हाँ जी, तो यहाँ धनिया पिसाई चल रही है, वो इस चक्की में धनिया पीसते हैं। और सोलर सिस्टम का ये थोड़ा सा फायदा मेरे को ये है कि अब भैया जी का भी मसाला आया था, लगभग मेरे अनुमान से भैया जी के जो लाए हैं लगभग 4 किलो के आसपास धनिया लाए हैं। और सोलर ये भी सिस्टम है, आप दिन में कभी भी चला सकते हैं कितनी भी बार, तो ये फायदा है। भैया जी ने तुरंत चटकनी डाल दी आपका ये मसाला और पीसना शुरू हो गया है। और आगे हम पिसाई भी दिखाएंगे आपको किस तरह की पिसाई करती है, ऐसी कितनी अच्छी पिसाई करती है आपका। ये धनिया है, ये शुद्ध साबुत धनिया है। भैया मेरा गांव का नाम कायरा है और मेरा संपर्क सूत्र है 9758990665। आइए हम भैया जी से अब जानेंगे, भैया जी के यहाँ पर यदि कोई आकर हमारा व्यूवर्स या हमारी जो वीडियो देख रहा है हमारे चैनल पे आके, तो भैया जी से यदि सोलर सिस्टम के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहता है या फिर आप मसाले पिसवाना चाहते हैं, जैसे भैया जी हल्दी पीसते हैं, मिर्च भी पीसते हैं और धनिया भी पीसते हैं, वो सारे अधिकतर जो हमारे खड़े मसाले होते हैं सभी को पीसते हैं। हाँ जी भैया, और यदि आप मसाले पिसवाने के इच्छुक हैं तब भी आप संपर्क कर सकते हैं भैया जी से, और सोलर सिस्टम के विषय में जो जानकारी लेनी है वो भी संपर्क कर। हाँ जी, हाँ जी किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।